श्री राधे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक और एकदम मस्त होंगे जी। तो देखिए, सुबह सुबह एकदम भूख लग गई है जी, चाहे तो डिनर में चाहे लंच में, ठीक है। और चाय जी देखिए, नाश्ते में ब्रेकफास्ट में किसी भी टाइम बनाइए और झटपट बनाइए। देखिए, एक कटोरी पोहा लिया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे एकदम है। तो देखिए, छन्नी के अंदर डाल लेंगे जी और ऐसे ही डायरेक्ट नल के नीचे इसको धो के ले आते हैं फटाफट से, मतलब दो तीन बार पानी से अच्छे से धो लेते हैं। तो देखिए जी, पोहा धुल के एकदम सफ़ेद चिट्टा हो गया जी एकदम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दूध की तरह हो गया। देखिए, हल्दी थोड़ी सी डाल देंगे इस समय पे, इस तरीके से छिड़क देंगे बस, ठीक है जी। और थोड़ा सा इसको मिला देते हैं चम्मच से, हल्का हल्का, ये देखिए बस इस तरीके से, ताकि हल्दी जो है हमारी गीली हो जाए इसमें। और इसका देखिए फ़ायदा क्या है, आगे बताऊँगा जी। बिल्कुल ऐसा कलर आने वाला है ना आज पोहे के अंदर कि बहुत तकड़ा एकदम। तो देखिए जी, इसको साइड कर देते हैं, फटाफट गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए जी, पैन ले लें या कोई कढ़ाई ले लें, जो भी है आपके पास वो ले लें जी। और देखिए, डालेंगे रिफाइंड ऑयल, ठीक है, एक चम्मच, बड़ा चम्मच, एक चम्मच डाल देंगे जी। तो देखिए, तेल होने देंगे गरम, उसके बाद गैस कर देंगे कम और डालेंगे राई के दाने, देखिए बहुत कम, और 5 से 6 कड़ी पत्ता। तो 2 हरी मिर्च कट लगा लिया है जी मैंने इनमें, देखिए, और मूंगफली के दाने 1 चम्मच, बड़ा बस जी, ज़्यादा नहीं है। और देखिए, फूल गोभी 1 चम्मच इस तरीके से काट लिए। आप चाहे तो इसमें बाकी सब्जियां भी डाल सकते हो, मटर, ये देखिए जी शिमला मिर्च 1 चम्मच ये भी, और अदरक गाजर सब डाल देंगे जी, भर भर के सब्जियां, थोड़ा बनाएंगे इसको हेल्दी। तो ये देखिए, अदरक है जी 1/2 चम्मच, बारीक काट लिया मैंने अदरक को, और गाजर भी देखिए 1 चम्मच लिए मैंने, इसको भी बारीक काट लिया है, वाह जी वाह। तो ये डाल देंगे जी सभी सब्जियां। और देखिए, मेरे पास आलू था जी उबला हुआ, ठीक है, तो मैं उबले हुए आलू को डाल रहा हूँ 1। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको आलू पसंद नहीं है, और बॉयल की जगह आप कच्चा भी डाल सकते हैं छोटा छोटा काट के, वो आपके ऊपर है जी। और नमक डाल देंगे साथ ही में, तो नमक डाल दीजिए 1 चम्मच छोटी, ठीक है, नमक डालें अपने स्वाद से। अब इसको कर लेते हैं एक बार मिक्स, और देखिए गैस कम रहने देंगे और ढक्कन लगा के 2 मिनट पका लेते हैं। और क्योंकि सब्जी हमारी जो है 2 मिनट में ही अच्छे से पक जाएंगी, क्योंकि सब्जी हमने छोटी छोटी काटी हैं। चलो जी, 2 मिनट हो गए, देखिए फटाफट सब्जियों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, ठीक है जी, और बढ़िया तरीके से, देखिए वाह जी वाह। थोड़ी देर अब गैस थोड़ा मीडियम करेंगे, हाँ कम से मीडियम पे कर लेते हैं, और थोड़ा देर इनको और रोस्ट करते हैं और ढक्कन हटा के, ठीक है जी, इस तरीके से देखिए हिलाते रहें बीच बीच में, और इनको अच्छे से थोड़ा सा इन पर कलर आएगा बढ़िया सा एकदम सुनहरा हल्का हल्का, तो तब तक हम इनको रोस्ट करते हैं। तो देखिए जी, लगातार चलाते रहें, और देखिए धीरे धीरे फूल गोभी का भी कलर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे आलूओं का भी हो रहा है, एकदम करारा जो टेस्ट है वो आने, मतलब एकदम से देखिए फूल गोभी कितने अच्छे से ये रोस्ट हो गई है, ये देखिए गोल्डन गोल्डन, इसमें सुनहरा सुनहरा ये आ चुका है जी बढ़िया तरीके से। तो देखिए, सिंपल सी रेसिपी है, ऐसा कुछ नहीं है, पोहा है, बहुत आसान है बनाना, पर उसको थोड़ा सा अगर हटके अगर आप बनाएंगे तो उसका टेस्ट जो है सब्जी का, पोहे का या नाश्ते का बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए, और देखिए बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहे, ठीक है, आप सोचेंगे कि चिपकेगा कैसे हम वो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, और फिर भी अगर चिपकता है तो हल्का सा पानी का छींटा आप उसमें डाल लगा सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से हो गया जी सब रोस्ट आपके सामने, देखिए बढ़िया तरीके से। अब फटाफट डाल देंगे इसके अंदर पोहा, और उससे पहले थोड़ी सी डालेंगे, देखिए जी क्या चीज़, कश्मीरी लाल, ठीक है, बिल्कुल देखिए चुटकी भर, ताकि इन सब्जियों में रंग अच्छे से चढ़ जाए और ये देखने में एकदम अलग तरीके का नाश्ता बन जाए। तो ये देखिए एक बार थोड़ी सी मिर्चा डाल के कश्मीरी, और ये देखिए मिला लेंगे, तो कलर देखिए ऑटोमेटिक कैसा हो गया अभी, है ना, तो बस यही है जी, देखने में अति सुंदर तो खाने में डबल सुंदर, है ना। तो ये देखिए जी, वाह कितनी अच्छी तरीके से सभी सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं, सब कुछ तैयार है। तो अब डाल देते हैं फटाफट जी पोहा, ये डाल दिया जी पोहा, ठीक है, अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये तो देखिए जी, पोहे की जो खास बात है ना, एक जो टेस्ट निखर के आता है, बैलेंस के लिए चीनी जरूर डालें, हाँ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, 1/2 चम्मच चीनी जरूर डालें। और देखिए वो जो इंदौर में जो पोहा मिलता है बड़ा अच्छा लगता है, मीठा नमकीन एकदम से, है ना, तो उस टाइप का फीलिंग हमें भी घर पे मिल जाए। तो इस तरीके से थोड़ी चीनी डाल देंगे, और देखिए टमाटर ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है कि डालना ज़रूरी है। तो मैंने बारीक एक छोटा सा टमाटर काट लिया है, और इसमें जो है
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर के अंदर जो पानी है पोहे के अंदर चला जाए और अच्छे से टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और गैस बिल्कुल रखेंगे कम जी, और थोड़ी देर ढक्कन लगा के एक मिनट इसको हम पका लेंगे। तो चलिए जी फटाफट से चेक करते हैं, देखिए एक मिनट हो गया है और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा और पका लेंगे हम। तो ये देखिए बिल्कुल भी नीचे पोहा चिपका नहीं है, वाह जी वाह। तो ये देखिए जी अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसको बढ़िया, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, वाह जी वाह क्या बात है। तो देखिए जी, और अगर वीडियो मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप सब बनिए मेरे YouTube फैमिली मेंबर, परिवार का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो ये देखिए जी, और शेर तो ऐसे करो जी जैसे रॉकेट में बैठ के क्या बोलते हैं आदमी उड़ जाता है ना, तो ऐसे उड़ा दीजिए एक वीडियो मेरी। तो ये देखिए जी अब अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और पता है एक खास चीज़ इसमें डालेंगे 8 से 10 नींबू की बूंदें रस की। ठीक है जी, नींबू का रस 8 से 10 बूंदें डाल लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और देखिए 2-3 चम्मच इस समय पर डालना है पानी, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं है, 2-3 चम्मच डाल के। और गैस अब कर देंगे बंद, क्योंकि नींबू डालने के बाद गैस नहीं रखते हम चालू, नहीं तो नींबू हो जाएगा जी कड़वा और आप बोलोगे कि टेस्ट नहीं आया हमारा बढ़िया। तो अब इसको ढक देते हैं। तो इसी बर्तन की जो गर्मी है, इसी में जो हीट है बर्तन की, उसी मतलब हीट के अंदर इस पोहे को सॉफ्ट होने देते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए जी चेक कर लेते हैं, देखिए 2-1.5 मिनट हमने इसको रख दिया, रेस्ट करने दिया अच्छे से उसी बर्तन में जो गर्म था। तो ये देखिए जी भाप, वाह जी वाह। और अब मैं क्या बोलूँ आपको, बस आप देख ही रहे हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट एकदम, वाह जी वाह, मुँह में एकदम मतलब मुँह में रखते ही घुलने वाला नाश्ता एकदम पोहा, देखिए जी रेडी हो गया है, सब आपके सामने है। ठीक है, अब अच्छे से एक बार हिला लेते हैं इसको, और चलिए जी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए जी कितना सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम, है ना, गर्मा गर्म पोहा नाश्ता हमारा हो गया रेडी। और चटनी तो देखिए जी आप अपनी पसंद से ले लीजिए कोई भी, और फटाफट खाइए और खिलाइए सबको। तो देखिए एक कटोरी पोहा और 3 आदमी आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं जी। तो देखिए वाह जी वाह, पूरा डोंगा हमारा भर चुका है, देखिए कितना बढ़िया है, हर सब्जी अलग अलग, खिली खिली मूँगफली अलग, हर सब्जी मतलब एकदम अलग अलग है, पोहा बिल्कुल अलग है। तो सब चीज़ कितनी शानदार तरीके से आपके साथ आज मैंने ये रेसिपी शेयर की है, और आप भी इस तरीके से घर पे ज़रूर बनाइए, आई होप आपको बहुत पसंद आने वाली है। और सब्जी जो आपकी मनपसंद की है जी वो भर भर के डालिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सब्जियों का मौसम है जी। तो बाकी खाइए पीजिए, मस्त रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।